गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आपको पेपर सॉल्व कराएंगे। सीईटी लेवल वन का है, यानी कि सीईटी ट्वेल्थ लेवल का है। सेकंड थर्ड शिफ्ट का पेपर है, 5 फरवरी को हुआ था, उसका पेपर है, सॉल्व कराएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? जयपुर, जालौर, हनुमानगढ़, जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? बाड़मेर के कानन मेला, तो साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाड़मेर में कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? भवाई नृत्य, घुड़ना नृत्य, गैर नृत्य, गीदड़ नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैर नृत्य। किसने 8 अक्टूबर 2022 को 8 अक्टूबर 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? यानी ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने 25वां अपना खुद का 25वां विश्व खिताब जीता? पंकज अडवाणी, गीता सेठी, आदित्य मेहता, सौरभ कोठारी। सही आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। साइंस का प्रश्न है, शब्द पारिस्थिति को सर्वप्रथम किसने दिया? पारिस्थिति की शब्द अरस्तु, रीडर, खुराना, ग्राउंड। पारिस्थिति की शब्द को दिया था ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रीटर ने दिया था पारिस्थिति की शब्द, रीटर ने दिया था, रीटर ने। अरस्तु गलत हो जाएगा, अरस्तु गलत है, रीटर सही है। कौन सा बैंक है भारत का पहला जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दी गई? इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी देने वाला भारत का प्रथम बैंक SBI, PNB, BOB, HDFC। तो सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने दी थी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है? यानी राजस्थान के एकीकरण के चरण बताने हैं, 6, 7, 8, 5। तो सही आंसर हो जाएगा 7 चरणों में हुई। अगला प्रश्न है, तो साथियों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप। चलिए, किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की? प्रश्न है, राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना इसकी घोषणा कब की थी? 2015-16, 2014-15 में की, 2016-17, 2013-14। सही आंसर हो जाएगा 2015-16 में राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड की योजना की घोषणा की। प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा, ऑप्शन ए। एलिस बालियास्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो एलिस बालियास्की किस देश से है ये बताना है कि एलियास वास्की किस देश से है? बेलारूस, रूस, इंग्लैंड, यूक्रेन। तो सही आंसर हो जाएगा बेलारूस से है एलिस बालियास्की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया जाता है? तो यहाँ राज्यपाल की शपथ की बात की जा रही है। अनुच्छेद 155, 158, 159, 154। तो राज्यपाल को शपथ दी जाती है अनुच्छेद 159 के तहत, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राजस्थान में राज्यपाल लोक आयुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? किसके साथ परामर्श करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता के साथ में परामर्श करता है, तब लोक आयुक्त की नियुक्ति करता है।
राजस्थान की मुख्यमंत्री का पद नहीं है, इसमें बताना है राजस्थान की मुख्यमंत्री का पद नहीं है। तो कौन कौन से हैं देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य ये भी है, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष ये भी है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये नहीं है, और अंतरराज्य परिषद का सदस्य ये है। तो मुख्यमंत्री इस पद पर नहीं होता, राज्य मानवाधिकार आयोग के पद पर नहीं होता। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चितिरों की ओबरी नाम से कला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, यानी कला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी राजमहल में, और उस विश्वविद्यालय का नाम है चितिरों की ओबरी। तो उस समय पर मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या था ये बताना है, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। इनके समय पर मेवाड़ में राजमहल में चितेरी की ओबरी नामक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रश्न है, प्रश्न में दो प्रिज्म दे रखे हैं, सफ़ेद प्रकाश को अंदर डाला जाता है पहली प्रिज्म में, फिर दूसरी प्रिज्म से बाहर निकलता है, तो निकलने वाले प्रकाश का को बताना है कि कैसा प्रकाश है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, विद्युत। तो सही आंसर होगा बैंगनी प्रकाश निकलेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती है, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, हाड़ौती पठार, उत्तरी अरावली। ये पाई जाती है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती के पठार में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है, तो किसको परामर्श देता है राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्यपाल को, लोकायुक्त को, उच्च न्यायालय को, मुख्यमंत्री को। तो सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल को देगा राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार बनाते हैं वे संचित होते हैं, अतिसार का मतलब होता है जो अतिसार बनाते हैं, यानी अतिसार को क्या कहते हैं, दस्त, जो दस्त उत्पन्न करने वाले रोग हैं उनका संचरण किससे होता है, मल मुख मार्ग से, कीड़ों के काटने से, पशु का व्यक्ति से संपर्क से, बूंदों से। तो मल और मौखिक मार्ग से, मल और मौखिक मार्ग से ही इनका संचरण होता है, जो पेट में पाए जाते हैं, दस्त पैदा करते हैं, तो मल से जाते हैं और मुख के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, यानी जो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है उसका नाम बताना है, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई, विंध्यन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है वो नवीन पर्वत श्रृंखला में आती है, ऑप्शन बी। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला नहीं है, देखो इस बात का ध्यान रखना नहीं है, उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, बारा। तो बांसवाड़ा, सिरोही, बारा है, लेकिन उत्तरी चित्तौड़गढ़ इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भौतिक परिवर्तन कौन सा है, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, बर्फ़ का पिघलना, लोहे में जंग लगना। तो यहाँ पे आएगा बर्फ़ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन है। चलिए थॉर्नबेट के अनुसार जैसलमेर की जलवायु है, थॉर्नबेट के अनुसार बतानी है जैसलमेर की जलवायु, CAW DVW DAW EAW। करेक्ट आंसर हो जाएगा EAD हो जाएगी, यानी एरिड, ऑप्शन डी। अगला, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाई उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, बालकृष्ण कील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और वो भी डायरेक्ट किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है अमर शाही किसका नाम है, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का, पगड़ी का, जूती का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पगड़ी का नाम है, अमर शाही पगड़ी। कौन सी सभ्यता में
अच्छे विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर देखो किलेबंदी के अवशेष जहाँ मिले हैं उस सभ्यता का नाम बताना है। गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल, पीलीबंगा। तो कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है और इसमें किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल की सहकारी क्षेत्रीय कंपनी है। सरकारी उपक्रम की सरकार में निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है। निजी क्षेत्र की कंपनी है तो इसको सबसे पहले तो निजी क्षेत्र की कंपनी थी, बाद में इसे सरकारी उपक्रम घोषित कर दिया गया था। तो इसमें जो फिलहाल में यह बंद पड़ी हुई है तो इसमें सही ऑप्शन देना कठिन है। सही करेक्ट आंसर बताना कठिन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो मोस्ट क्वेश्चन आ गया। जाली बाबा की बावड़ी और मामा देव का कुंड कौन से दुर्ग में है? जाली बाबा की बावड़ी, मामा देव का कुंड कौन से दुर्ग में है? गागरौन, कुंभलगढ़, तारागढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो मामा देव का कुंड हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तारागढ़ गलत होगा, ठीक है, तारागढ़ गलत हो जाए, चित्तौड़गढ़ सही है। एक दर्पण जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, तो दर्पण की प्रकृति होगी। उस दर्पण का विषय बताना है जिसमें प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता हो। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलयिक दर्पण, समतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न। मेंडल के अनुसार एक द्विशंकर संकरण में द्वितीय संतति के पीढ़ी लक्षण का लक्षण प्रारूप बताना है, यानी कि फिनोटाइप बताना है दूसरी पीढ़ी की संतति का। 1:2:1, 9:3:3, 3:1, 15:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9:3:1 द्विशंकर संकरण में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम कब बदला गया? और नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम रख दिया गया। 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कर दिया गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी रोजगार स्कीम कब से चल रही है, तो ये हो जाएगी 2 अक्टूबर 2009 से। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, शून्य, अनंत, धनात्मक। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, गोडावण पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो गोडावण पक्षी कहाँ पाया जाता है? केवलादेव, राष्ट्रीय मरुद्यान, सज्जनगढ़, रणथंबोर। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाता है गोडावण पक्षी। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र का है? 2/3, 1/3, 1/4, आधा। सही आंसर हो जाएगा 2/3, ऑप्शन एक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 2/3। कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही? जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही ये बताना है। तो ये रही थी 1971 और 1981 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्ष्य सेन और किदाम्बी, ये खिलाड़ियों के नाम है, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत, ये कौन से खेल के खिलाड़ी है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन के खिलाड़ी है दोनों। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 40वें नंबर के थे, ऑप्शन एक मिनट। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 40 नंबर के थे।
राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 2000 में, 2002, 2003, 2001। तो सही आंसर हो जाएगा 2001 में की गई। अगला प्रश्न, डेस DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित है। तो डेस जो आहार है वो कौन से रोगियों को दिया जाता है? डेस, तो ये यकृत सिरोसिस, उच्च रक्तचाप, रक्तहीनता, जठर सूत। सही आंसर होगा उच्च रक्तचाप के रोगी को। कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता? स्टियरिक अम्ल, लॉरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, पामिटिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर देखा जाए तो बेंजोइक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता, साबुन बनाने में नहीं करते। अगला प्रश्न है, जॉन ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित कौन से पौधे पर प्रयोग करके दिए थे, यानी किस पर? तो सरसों पर, समुद्री अर्चिन पर, मटर पर, भृंगों पर। तो पाइसम सेटाइम एवं उद्यान मटर ऑप्शन सी हो जाएगा जॉन ग्रेगर मेंडल का, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में एक बायो पेमेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष। तो बायो पेमेंट वैध रहता है 20 वर्ष तक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र को हर कोई कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेदन पत्र, ये सरकारी पत्र नहीं है। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? वित्त आयोग का अध्यक्ष पहला बताना है, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल, ज्योति किरण, माणिक चंद सुराना, हीरालाल देपरा। करेक्ट होगा कृष्ण कुमार गोयल। किसे टेराकोट ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे देखते हैं कि जो टेराकोट के लिए है, टेराकोट ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया है, कौन से कारीगर है? महेश सोनी, अर्जुन प्रजापत, श्रीलाल जोशी, मोहनलाल कुमार। तो इसमें दिया गया मोहनलाल कुमार को दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD साखलिया, BB लाल, BN मिश्रा, BS बाणकरण। तो सही आंसर हो जाएगा HD साखलिया, ऑप्शन ए। नड़ क्या है? लकड़ी की चार पट्टियाँ, जुड़वा बांसुरिया, एक तार वाला वाद्य, एक लंबी बांसुरी। तो एक लंबी बांसुरी को नड़ कहते हैं, करेक्ट आंसर। यह यौगिक जिसके अपचयन से अल्कोहल मिलता है वह है? एल्किल आइसोसाइनाइड, नाइट्रो एल्केन, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल साइनाइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्किल नाइट्राइट, ऑप्शन सी। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विजय हजारे, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का सो कहते हैं, भक्ति संत रामाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? नदी जिसे पश्चिमी बंगाल का सो कहा जाता है वह है ब्रह्मपुत्र, गंडक, इनमें से कोई नहीं दामोदर। तो सही हो जाएगा दामोदर। भक्ति संत रमाबाई का जन्म कहाँ हुआ? देहरा में, पीलीबंगा में, सांचौर, हरनावा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरनावा। विषम युग्मकी संतान उसके समयुग युग्मकी जनक के साथ संकरण कराते हैं, तो इसको कहते हैं संकर पूर्व संकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? कृष्णा, महानदी, कावेरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। RBC जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है, यानी सॉरी RBC नहीं, रक्त कणिकाओं के विषय में बताना है, श्वेत पट्टिकाणु, लसिकाणु, रक्ताणु।
तो जो WBC होती है वो शरीर को बाहरी जीवाणुओं से रक्षा करती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध किससे है? ई हेल्थ सेवाओं से, गरीबी उन्मूलन से, पुलिस सुधार से, डिजिटल लर्निंग से। तो सही आंसर हो जाएगा डिजिटल लर्निंग, ऑप्शन डी। शंघाई सहयोग SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत। सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान ने की थी। अगला, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? AgS, AgSO4, Ag2S, H2S। तो सही आंसर हो जाएगा इसका Ag2S बनने के कारण होते हैं, सिल्वर सल्फाइड। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कितने रुपए प्रति प्लेट दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है? तो इंदिरा रसोई में दिया जाता है 8 रुपये में, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 रुपये में दिया जाता है, ऑप्शन बी। बागड़ी बोली राजस्थान राज्य की कौन से क्षेत्र की बोली है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम की है बागड़ी बोली, जाएगा दक्षिण पश्चिम। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक स्कीम एक्सीलेंस स्कीम, तो इसका नाम देख लो, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021। इस स्कीम की कौन सी विशेषता नहीं है? तो बतानी है, इस स्कीम का उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थियों को उच्च विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित है, ये वाला गलत है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो उनको उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी सही है। इसकी घोषणा राजीव गांधी के जन्म दिवस पर 2 अगस्त 2021 को की गई। तो राजीव गांधी का जन्म दिवस कब है? 2 अगस्त 2021, यानी अगस्त को है, 20 अगस्त 2021 को है, ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यही गलत है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया? 5 सरकारी कंपनियों को बांट दिया कौन से वर्ष में? 2007, 1995, 2012। तो सही आंसर हो जाएगा 2000 में बांट दिया गया। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएंगे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अरुण जल विद्युत भारत और नेपाल की संयुक्त तो परियोजना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था? मंगलयान, पायोनियर 1, पायोनियर 10, चंद्रयान 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायोनियर 1। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकटतम बिंदु दूरी क्या है? तो इसके लिए हो जाएगी निकटतम बिंदु दूरी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन, मैग्रोव वन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो पर्वतीय वन होते हैं, शंकु वन पर्वतों पर ही पाए जाते हैं। किसके बीज द्वारा दूध जैसी सामग्री बनाई जाती है? दूध जैसी सामग्री बनाने में काम आने वाला बीज चना, मक्का, जौ, सोयाबीन। तो सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन। विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन B1। तो जो विटामिन डी है ये कैल्शियम का अवशोषण भी करता है और हार्मोन का भी काम करता है। चलिए अगले प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कितने दिन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 दिन।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया, यानी बास्केटबॉल के खिलाड़ी है और जिनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है वो कौन है? सरबजीत सिंह, गुरदयाल सिंह, खुशीराम, गुलाब अब्बास मुटसियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाब अब्बास मुटियर। इनका देहांत हो गया था 15 नवंबर 2022 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अजरखा प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांगानेर, बाड़मेर, कोटा, जैसलमेर। तो अजरखा प्रिंट कहाँ पे है? बाड़मेर ज़िले में है। ऑप्शन बी आंसर होगा। ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये, है बीकानेर, जालौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर। तो सही आंसर होगा जौहड़ बीड़ बीकानेर में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए ग्रेफाइट के लिए असत्य कथन पहचानना है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को पढ़िए कि ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, ग्रेफाइट को एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता, ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि ये विद्युत का प्रवाह करता है। प्रश्न है कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, जिंक मैग्नीशियम सल्फेट, ZnSO प्लस Mg। तो इसमें यही नहीं बनेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्रिया नहीं होगी क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता मैग्नीशियम से कम है, इस कारण जिंक क्रिया नहीं करेगा मैग्नीशियम के साथ में। तो यही इसका आंसर होगा, बाकी सबकी क्रियाशीलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेरे ताली नृत्य कौन से लोक देवता के लिए है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेव जी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेव जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है वो है, यानी कि बी और ए भी रुधिर वर्ग को दे पाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान कितना होता है? 16 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला, सैल्यूट फर्स्ट है एक रॉकेट, नक्षत्र, आंतरिक्ष स्टेशन, भूस्थिर उपग्रह। तो ये हो जाएगा आंतरिक स्टेशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी बरदा, अजमेर, जयपुर, बिजोलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बरदा में की गई। DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर आलोक जैन, जसवंत वी सिंह, समीर वी कामत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीर वी कामत। मोकड़ी क्या है? ऊन की दरिया, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, लाख की चूड़िया। तो मोकड़ी है लाख की चूड़िया, ऑप्शन डी। कौन सा डेटा टाइप MS Excel में नहीं होता? तो इसमें लेबल नहीं होता, ऑप्शन बी। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम, चंद्रराज द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है, यानी किसको नियुक्त कर रखा है, अधिकार दे रखा है? महान्यायवादी, महाअधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश, सॉरी मुख्य अधिवक्ता। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। तो राज्यपाल सचिव का, राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंड आदेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। तो इसका जो आंसर होगा गलत है वो ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी। जूट तंतु का मुख्य घटक है लिग्निन, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज। सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज। अगला प्रश्न की ओर चल। औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है, बोरानाड़ा सेकंड, थर्ड,
नापासर, मंडोर, पाल शिल्पग्राम। तो यहाँ पर नापासर नहीं है। बायोस किसका हिस्सा है? रोम का हिस्सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारे 150 हमारे सीईटी के 150 प्रश्नों में हमने राजस्थान जीके, इंडिया जीके और राजस्थान भूगोल है, विज्ञान है के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।